अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गोलू जी, आप भी ऑफिस जा रहे हैं? हम आपके लिए कोई फाइल ला दें? नहीं नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों? अगर आप दफ्तर नहीं जाओगे तो वहाँ काम कौन संभालेगा? आप तो घर के बड़े बेटे हैं, तो काम पे सबसे पहला तो आपका हुआ ना। कल ही आज की मीटिंग दिव्यम संभाल रहा है, और वहाँ आज मेरा कोई काम नहीं। और हमारे घर में बड़े छोटे का कोई हिसाब किताब नहीं होता। शुरू से चाचू ने बिजनेस संभाला है, और उनके बाद दिव्यम देखता है। मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, और वक्त रहते सीखता भी जा रहा हूँ। लेकिन गोलू जी, तेरी की दिव्यम जी के पीछे ऐसे पड़े थे हम, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ससुर जी और गोलू जी तो निठल्ले। हम अपने साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होने दे सकते, कुछ तो करना होगा। कली, खाना बनाना शुरू किया? तो ये सास जी और हमरा पीछा नहीं छोड़ती। आते हैं। आज हम इंटरनेट पे देख के सबको ऐसा हलवा खिलाएंगे कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, भाभी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? नहीं देवरानी जी, हम खुद कर लेंगे, आप जाइए। हम बस ये पौधों में पानी डालने के लिए पानी लेने आए। जी दिव्यम जी, हाँ ठीक है, हम आपके लिए बादाम और अखरोट भिगो के रख देंगे। देवरानी जी, हमें अकेले काम करना है, आप जाएंगी? जी भाभी, आप अपना काम कर लीजिए, हम बाद में भिगो देंगे। हमने सबके महीने का खर्चा बांध दिया है, और आप सभी लोगों को अब इसी में से अपना महीने का खर्चा चलाना होगा। हेलो गोपाला, 25,000 का इंतजाम करके रख, मैं लेने आ। हमें पता था गोपाला कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, इसीलिए हमने ये सब किया। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9 बजे। हमें दिव्यम जी के नाम से जलाने की कोशिश कर रही थी। जला हुआ हलवा खिलाया, सबको लगेगा कि हमें खाना बनाना नहीं आता। कल प्रसाद भी खराब हो गया था, आज अगर हमारी पहली रसोई में कोई भी गड़बड़ हुई तो हम तो बड़ी दादी सास जी की नजरों में पक्का गिर जाएंगे, और हमारी सास जी को भी ताना मारने का एक और मौका मिल जाएगा। सो अलग, हम क्या करें? चलो आज एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। क्या बुआजी, आप गांव जाना चाहती हैं? अब हम यहाँ रहकर भी क्या करेंगे, वैसे भी हमारा तो कोई मान है ही नहीं यहाँ पर। और तुम लोगों ने हमसे पूछे भी ना, हमारे प्यारे दिव्यम की उस गोल मटोल नौकरानी जैसे चेहरे वाली लड़की से शादी करवा दी। ना उसके परिवार का कोई रुतबा है, ना ही उसके बाप का कोई नाम। हमारी बात का, हमारी इज्जत का जब कोई मान ही नहीं है यहाँ, तो हमें भी नहीं रहना यहाँ। हम भी जा रहे हैं गांव वापस। ले, हमने तो सोचा था कि बुआ जी की मदद से इस गोल मुठी को दिव्यम की जिंदगी से बाहर करेंगे, पर ये तो जा रही है, अब क्या करें? हमने अपना टिकट करवा लिया है, बस कली की रसोई खाकर हम गांव चले जाएंगे। बुआ जी, पता नहीं कली बिटिया का हलवा कब तक बने। अच्छा, तो तुम्हें बहुत जल्दी है हमारे जाने की। बुआ जी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, है ना मम्मी जी? इतना हमारी उंगली, हमारा हाथ, क्या हुआ भाभी? आप ठीक तो है ना? हमारा हाथ थोड़ा सा जल गया देवरानी जी, हम जरा जाके इस पे टूथपेस्ट लगा कर आते हैं, वरना हमें छाले पड़ जाएंगे। आप जरा हलवा देखिएगा।
वो भाभी कैसा हलवा बना रही थी? उसे जला हलवा भाभी सबको बाहर परोसेंगी, सब बहुत नाराज हो जाएंगे। क्या करें, हम ही सही कर दे क्या इसे? नहीं नहीं, आज भाभी की पहली रसोई है, कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन ऐसा जला हुआ हलवा बाहर परोसेंगी, सब उनसे बहुत नाराज हो जाएंगे और पहली रसोई में चार बातें सुना देंगे। भाभी की पहली रसोई का सब दिल से इंतजार कर रहे हैं, वो तो बढ़िया होनी ही चाहिए। हमने काम करते हैं, हम इसे सही कर देते हैं, फिर भाभी को बता देंगे। हमें पूरा यकीन है वो हमारी बात जरूर समझेंगे। क्या करें? नहीं नहीं, सूजी और डाली तो खराब हो जाएगा। हाँ एक काम करते हैं, सूजी में दूध डाल देते हैं और चाशनी में और ज्यादा पानी डाल देंगे तो सब सही हो जाएगा। की रसोई में यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी दादी, जब हम यहाँ आए थे ये जल रहा था। हे भगवान, हमने इतनी मेहनत से हलवा बनाया था देवरानी जी, आपने सब बर्बाद कर दिया। हमारी पहली रसोई खराब कर दी आपने। क्या हुआ? अरे हमने तो आपको सिर्फ हलवे पे नजर रखने के लिए कहा था, फिर आपने इसे छेड़ा क्यों? भाभी हम सिर्फ हलवे पे नजर ही रख रहे थे, लेकिन लेकिन क्या, हम आपकी जेठानी है, हमें घर में आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और आप है कि आपको हमसे अभी से जलन होने लगी। अब हम अपनी पहली रसोई में सब घर वालों को क्या खिलाएंगे? हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अरे हमने माना कि कल हम भोग नहीं बना पाए थे, लेकिन आज हम अपनी पहली रसोई का काम पूरे सच्चे मन से कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था। लेकिन आपने तो कढ़ाई में पानी के साथ साथ हमारे अरमानों पे भी पानी फेर दिया देवरानी जी। गेंदा फूल, तुम्हारी हरकतों को हम पहले से बहुत अच्छी तरह समझते हैं और पहले भी कली तुम्हें पसंद नहीं थी, लेकिन अब तुम उसके काम में टांग अड़ा रही हो। लेकिन याद रखना, जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम उसका कुछ बुरा नहीं होने देंगे। वो इस घर की बड़ी बहू है, बड़ी बहू। हम इस घर की छोटी बहू है बड़ी दादी। पर हम नहीं मानते, हम तुम्हें इस घर की बहू स्वीकार नहीं करते। लेकिन बुआ जी, आप राधिका को जानने की कोशिश तो कीजिए, सच में वो दिल की बहुत अच्छी है। जान भी लिया और देख भी लिया, देखा ना कि वो कली का सारा काम बिगाड़ रही थी। बड़ी दादी, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें आपसे सच नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन आप ही बताइए ना, हम ऐसा क्या करें कि आप हमें अपनी बहू माने? हम कैसे अपनी गलती सुधारे, कैसे आपकी नाराजगी दूर करें? तुम हमारी नाराजगी दूर कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम ना तो दिव्यम की पत्नी बनने के लायक हो, ना बंसल परिवार की बहू बनने के लायक हो। राधिका को एक मौका तो दीजिए। बहू होने के बावजूद उसने नौकरानी की तरह काम किया और एक बार भी शिकायत नहीं की। आजकल कौन सी बहू ऐसा करती है, इतना सहती है? जीजी, सच आप उससे क्या चाहती हैं? इसकी काबिलियत का प्रमाण। प्रभा, जग्गू, तुम दोनों अपनी मर्जी से इसको बहू बनाकर इस घर में लेकर आए थे, लेकिन इसे ये साबित करना होगा कि ये इस घर की बहू बनने लायक है या नहीं। इसे ये साबित करना होगा कि ये दिव्यम की पत्नी बनने लायक है कि नहीं।
क्यों मान ली तुमने बड़ी दादी की बात? तवीम जी, हमें हमारे परिवार की फिक्र है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से परिवार में कोई भी दुखी हो, इसीलिए बस बड़ी दादी का दिल जीतने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं मानी तो? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।